सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस अभी भी हमें अनबॉक्स करने हैं। सो सबसे पहले हमने अपना सोफ़ा असेंबल करने से स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पर सोफ़ा ऐसे ही मिलता है। आप मस्ट बी वंडरिंग कि ये कैसे सोफ़ा आया है, बट येस, यूएसए में आपको सारा फर्नीचर खुद ही असेंबल करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलकर अपना सोफ़ा असेंबल करने जा रहे हैं। एंड लास्ट टाइम हमारे पास जो सोफ़ा था वो वाइट कलर का और क्रीम यू कैन से था, वो लव सीट प्लस काउच का सेट था। बट दिस टाइम वी ओनली बॉट वन सोफ़ा बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप लिटल सिंपल एज वेल एज वी डोंट वॉन्ट मच फर्नीचर एट अवर प्लेस। सो येस, सो इसलिए हमने एक ही इस टाइम बाय किया है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं इसे असेंबल करने स्टेप बाय स्टेप। इसके साथ मैनुअल मिला है, और इफ़ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग सिमिलर टू दिस, सारे लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाय द वे, ये सोफ़ा हमने ओवर स्टॉक से परचेज किया है, एंड इसके साथ मैचिंग की हमने दो चेयर्स ऑर्डर की हैं अमेज़ॉन से, जो कि उस लुक को कंप्लीट करती हैं, प्लस कम स्पेस भी कंज्यूम करती हैं, और हम लोग ईजिली चेयर्स को कहीं पर भी यू नो मूव कर सकते हैं इजीली। सो दैट्स व्हाई हमने एक सोफ़ा प्लस दो चेयर ऑर्डर किया है। एंड आल्सो ये मॉडर्न एसेंट लुक देती हैं लिविंग एरिया को। सो यस, सो अब हम लोग जा रहे हैं सोफ़ा को असेंबल करने, और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग असेंबल कर रहे हैं। सो या तो गाइज, इस पूरे सोफ़ा को असेंबल करने में अराउंड हमें 25 to 30 मिनट लग गए। सो आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू असेंबल बोथ चेयर्स। सो एक चेयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड ये सेकेंड हम असेंबल कर रहे हैं, और ये वाली चेयर हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर की है। इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ एक मैचिंग की हमने रग ऑर्डर की है, जो कि इसी फर्नीचर से मैचिंग करती हुई है। सो ये रग भी मैंने ओवर स्टॉक से ही ऑर्डर की थी। एंड यस, अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सो गाइज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कभी भी अपना रूम मेकओवर, लिविंग रूम या फिर बेडरूम मेकओवर स्टार्ट करें, सो उससे पहले एक माइंड में चीज़ ज़रूर याद रखें कि आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, सो दैट कि आपको जो भी परचेजिंग करनी है, आप जो भी कुछ परचेज़ कर रहे हो अपने मेकओवर के लिए, वो सारी चीज़ें लेने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। इससे आपका टाइम और मनी दोनों ही सेव होते हैं। सो हमने अपना लिविंग रूम मेकओवर से पहले एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लिया था, और हमने कहीं पे ऑनलाइन देखा था कि हमें किस तरह का अपना लिविंग रूम मेकओवर करना है। हमने उसी अकॉर्डिंग ये थीम डिसाइड की थी, और उसी के अकॉर्डिंग हमने सारा सामान परचेज़ किया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ऑनलाइन ख़रीदी, और कुछ डेकोरेशन आइटम्स हमने अपने लोकल स्टोर्स, नियर बाय लोकल स्टोर्स से परचेज़ किया। सो येस, एंड कुछ DIY पेंटिंग्स हमने करी हैं घर पे, जिसको कि हम लोग ने Pinterest.com से वहाँ से इंस्पिरेशन ली थी, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों ने मिलकर कुछ DIYs करके कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, जो कि इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुई हैं वो। सो येस, इस तरह से हमने अपना सारा रूम सेट किया। एंड यस, आई होप आपको ये थीम और ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। मेक श्योर, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अपने थॉट्स, और इस
से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में अगर हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। एंड या और आप लोग देखें बाकी का मैंने डेकोरेशन कैसे किया। एंड एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको पूरा अपना लिविंग रूम का एक छोटा सा टूर दे दूंगी कि कैसा टर्न आउट हुआ है पूरा। सो यस। सो गाइस फाइनली पूरा रूम सेट हो चुका है एंड मैं फाइनली से ये पेंटिंग्स लगाकर फिनिशिंग टच दे रही हूँ। एंड ये सारी पेंटिंग्स हमने DIY की हैं और Pinterest.com से हमने इसका इंस्पिरेशन लिया था। एंड सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ A4 शीट्स पे हमने सिंपली कुछ ज्योमेट्रिक आर्ट्स बनाई हैं एंड दैट्स इट। और आप उन्हें डिफरेंट फ्रेम्स में फ्रेम करें और इस तरह से आप अपने थीम के अकॉर्डिंग आप अपने रूम को मेकओवर में यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स अगर आप ख़रीदने जाते हैं मार्केट में दे आर सो एक्सपेंसिव। सो आप इस तरह के DIYs के थ्रू इन्हें बनाकर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ये DIY कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रियल पेंटिंग जो कि हमने देखी है एंड हम अब इसे इस तरह से पेंटिंग्स को हमने बनाया है। एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग अगर नहीं भी आती है आप खुद से बनाते हैं तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इतना क्लियर नहीं दिखता है एंड ये बहुत अच्छी लगेंगी दैट फॉर श्योर। आप भी एक बार ऐसे कुछ आइडियाज़ लेकर ट्राई कर सकते हो अगर कोई पेंटिंग आपको अच्छी लगे। एंड ये ज्योमेट्रिक आर्ट है सो बहुत ईजिली बन जाती है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सो यस, इस तरह से हमने अपने लिविंग रूम को एक छोटा सा मेकओवर दिया है। आप भी शेयर करना अगर आप इस तरह के कुछ DIYs अपने घर पे ट्राई करें तो। और फाइनली हम ये बड़ा प्लांटर रख रहे हैं, ये एक इंडोर प्लांट है जो कि हम होम डिपो से लेकर आए थे। सो इसको मैं सोफे के साइड में रख रही हूँ टू गिव अ फाइनल टच। और अगर रूम में आप कुछ अच्छे अच्छे प्लांट्स इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। एंड मुझे गार्डनिंग का स्पेशली बहुत ज़्यादा ही शौक है। सो यस, मेरे घर में प्लांट्स नहीं मिले ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो यस, ये प्लांट हम होम डिपो से लेकर आए थे और मैं इसको साइड में रख रही हूँ एंड दिस इज़ हाउ वी डेकोरेट अवर लिविंग रूम। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड यस। सो गाइज, ये फाइनली हमने दिवाली डेकोरेशन कर दी है अपने लिविंग रूम में। एंड दिवाली डेकोरेशन के बाद कुछ इस तरह से पूरा लिविंग रूम टर्न आउट हुआ है। एंड आप लोग भी डिफरेंस देख सकते हैं पहले और अब में कैसा दिख रहा है। सो यस, कुछ इस तरह से हमने दिवाली में अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया है एंड आई होप आपको ये डेकोरेशन अच्छी लगी होगी।
सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लिविंग रूम मेकओवर वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल.